ये आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर है। अब आप अशोक कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। एकता दौड़ के अलावा विविध कार्यक्रमों में लोगों ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया और द्वीप समूह में पंचायतों के परिसीमन से संबंधित सुझाव मांगे गए हैं। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी मनाई गई। इस सिलसिले में विविध कार्यक्रमों के आयोजन हुए। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर, अंडमान कॉलेज और महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में विशेष समारोह आयोजित हुए, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इनमें एकता, सुरक्षा और रक्षा के संदेश को समर्पित कई अर्थपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने राष्ट्रीय एकता की प्रतिज्ञा ली। पोर्ट ब्लेयर में नेताजी स्टेडियम से एकता दौड़ आरंभ हुई, जिसे प्रशासन के मुख्य सचिव आनंद प्रकाश ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सांसद विष्णुपद रे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। प्रशासन और केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। आज शाम पोर्ट ब्लेयर के नगर पालिका धर्मशाला से गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बीच आकर्षक एकता दिवस मार्च पास्ट आयोजित किया गया। इसमें पुलिस, एनएसएस और स्काउट गाइड की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। द्वीप समूह के सभी शैक्षिक अंचलों के विभिन्न स्कूलों में एकता दिवस कार्यक्रम आयोजित हुए और विद्यार्थियों ने एकता दौड़ में उत्साह के साथ भाग लिया। उधर भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय गांधी भवन में श्रीमती इंदिरा गांधी के चित्र पर दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्षा सुश्री मरियम बीबी सहित कांग्रेस पार्टी और उससे संबद्ध संगठनों के पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। पार्टी के उपाध्यक्ष हामिद अली ने सभी सदस्यों को कौमी एकता की शपथ दिलाई। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से असाधारण कार्य करने वाली महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया जाता है।